महाराज और भैया कहाँ है? नाक कट गई? हाँ महाराज, पहले जुड़ी थी। अरे महाराज हाथ लगा के मत देखे। बात ये है, बड़ी बेइज्जती हो रही चारों तरफ। कैसे बताओ तो? बात ये है कि आपके राज्य में एक रविदास समाज अछूत और उसकी चारों तरफ ख्याति है। वो ज्ञान ज्ञान की बात करता है, सबको शिक्षा दीक्षा देता है। और महाराज जब लोग उसकी बात सुनते हैं, शिक्षित होते हैं। अब विचार करो, फिर हम लोगों की तो दुकानें बंद हो जाएगी। अच्छा हाँ महाराज, अगर कोई वजन भी करता है या कुछ भी करता है, लोगों को संगठन बनाकर इकट्ठा करता है, तो तुमसे क्या जाता है? महाराज जाता ही है, फिर हम लोगों की चक्कर चारा कौन डालेगा? अच्छा तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब जैसा तुम्हारा ग्रंथ कह रहा है तुम वही नियम चाहते हो? हाँ महाराज, ग्रंथ तुम्हारा यही कह रहा है ना कि पूजिए पिपर सकल गुणहीना। सकल गुणहीना और शूद्रण गुणगण ज्ञान प्रवीणा। तुम्हारा कहने का मकसद ये है कि ब्राह्मण लूला लंगड़ा काना बहरा पागल कैसा भी हो, वो पूजनीय के योग्य है और शूद्र चाहे कितना विद्वान हो, वो पूजा के योग्य नहीं है। यही चाहते हो और तुम ही भजन कर सकते हो, तुम ही पूजा कर सकते हो ना। तो तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा भी होगा पूर्ण रूप से। चलो ठीक है, आज यही पता लग जाएगा। जाओ एक लोग रविदास को जाओ, दूर है ना दूर। ठीक है, पहले इनकी थोड़ी थोड़ी इनको कम करो। रविदास दूर दूर। हेलो ए दूर, अरे 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 नहीं यार ए दूर कहीं बैठ जा यार, बैठ 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 जा यार, नहीं तो पाछा पड़ी गई। अब देखिए राजा विवेकवान ने गुरुजी को भी बिठा दिया। बैठ जा, तुम भी बैठ जा। राजा विवेकवान कहने लगे कि गुरुजी ये सब लोग तुम्हें अछूत बता रहे हैं, शूद्र बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो गुरु रविदास कहने लगे कि देखिए दिमाग से सोचो कि रवि एक ही नोर से उपजो जग संसार। एक ही नूर से ये उपजो जग संसार, फिर किस विधि ब्राह्मण भय हम किस विधि भय चमार। क्योंकि अगर ये चमार शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमसे बड़े ये चमार है। चा माने चमड़ा, मा माने मांस और राम माने रक्त, तीनों में तो है। इन्हीं तीनों को तो मिलाकर चमार लिखा गया। और जब प्राकृतिक ने भेदभाव नहीं किया है तो फिर ये भेदभाव करने वाले कौन है? आप अंदाजा लगाइए। अगर आपको शक है तो हमारा भी हाथ काटो, इनके चारों के हाथ काटो, देखो खुहारा है। सो कैसे हो सकता, सो कैसे हो सकता? रविदास कहने लगे सुनो महाराज, अरे एक मिट्टी के
कहां से सूत्र कहां से पारे। महाराज हमसे पूछो तो है? अरे हम कैसे सूत्र ये कैसे पारे, अगर ये बड़े होंगे तो फिर ये हाथी से पैदा होंगे, पूछो बड़ा तो हाथी होगा, अगर इनमें कुछ अलग हो, हमारे नाक है तो इनके नाक है, हमारे मुंह है इनके भी मुंह है, मेरे दो आंख है इनके भी दो आंख है, या तो इनके सिंह जमा होता तो हम मान लेते कि ये ब्राह्मण है पांडे हैं, इन्हें भगवान ने अलग, अरे जब चुटिया जा तो पुछिया तुमने बाद में लगाई ले, अगर इनकी पुछिया देखो तो ये भैंसा मालूम पड़ रहा है, तो फिर हम कैसे शूद्र हो गए, कैसे ये पंडित हो गए, ये सब यहाँ पर महाराज बनाया गया, बाकी प्राकृतिक के दरबार में कहीं भेदभाव नहीं है, हवा चलती है तो चाहे वो चबरक का हो चाहे नीच बरक का हो, सबको हवा लगती है, वो भेदभाव नहीं करता है, सूर्य जब प्रकाश देता है तो उच्च बरक को भी धूप लगती है, नीच बरक को भी धूप लगती है, पानी होता है, पानी को अगर एक नीच बरक का पिएगा उसकी भी प्यास बुझाएगा, उच्च बरक का पिएगा तो उसकी भी प्यास बुझाएगा, तो जब प्राकृतिक ने कोई भेदभाव नहीं किया तो भेदभाव करने वाले कैसे हो गए, ब्राह्मणों के लोगों हवा खराब हो गई, राजा विवेकवान कहने लगे तुम्हें अपनी भक्ति पर ब्राह्मणों बहुत बड़ा गर्व है, जी महाराज आज तुम्हारे गर्व का पता लग जाएगा, उसी समय राजा विवेकवान ने एक मूर्ति मंगवाई, मूर्ति लाई जाए, अब देखिए ये मूर्ति है, ये मूर्ति है, सुनो ब्राह्मणों हमारा ये मूर्ति है, अगर तुम्हारे अंदर पावर है तुम्हें भगवान के पुजारी हो हमारा, तो इस मूर्ति को कोई हाथ नहीं लगाएगा, नहीं लगाएंगे, अपनी शक्ति के द्वारा मूर्ति को अपने पास बुलाओ, अच्छा अगर मूर्ति तुम्हारे पास आ जाती है तो रविदास का मुंह काला करेंगे और पूरे निजोला में घुमाएंगे, तो सही बात है, सही बात है हमारा, नीचे बढ़ जाए, और अगर तुमने नहीं मंगा पाई और रविदास ने अगर मूर्ति मंगा ली तो तुम्हारे मुंह काले करे जाएंगे, पूरी रुजोलो बगिया में घुमाना पड़ेगा, तब महाराज गलत बात, अच्छा तब गलत बात है, महाराज हम सभी लोग ब्राह्मण हैं ना, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं मैं राजा हूँ, यहाँ इस दरबार में तरीके का फैसला होता, भैया थोड़ी आवाज बढ़ा दो इसकी, हेलो और बड़ा, हेलो हेलो चेक करो, हेलो हेलो हेलो, याद रखना भैया राजा विवेकवान ने आदेश दिया कि लगाओ अपनी ताकत, अब देखिए ब्राह्मण लोग ताकत लगा रहे हैं, अगर मूर्ति इनकी तरफ बढ़े तो मैं ये यहाँ पर पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूँ, अगर इनके पास मूर्ति आए तो सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं, ठीक है, क्योंकि इनकी जीत होगी तो रविदास के मौका लेके किए जाएंगे, चलो बुलाए के देखो, अरे आओ आओ हरी कहां देरी करी बंसी बारे, शामरिया शरण हम तुम्हारे,